हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। सो फाइनली मैंने जेके बोस क्लास 11th का जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर है मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, क्लास 11th फिजिक्स का गेस्ट पेपर। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, आई एश्योर यू कि मोर देन 80% आपकी अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें डेफिनेटली आएगी। सो अच्छे से इस गेस्ट पेपर को अच्छे से कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, अब अच्छे से इसको स्टार्ट करते हैं कि किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस है। देखिए सबसे पहले बात अगर हम करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, अगर बात करेंगे, देखिए इस चैप्टर में आपने मेन चीज क्या करना है, देखो यूनिट्स एंड डाइमेंशंस तो किसी के भी आएंगे, जैसे प्रेशर, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस या सॉलिड एंगल, ये तो यूनिट्स तो आने ही आने, या साथ साथ में डाइमेंशंस भी आएंगे। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर वाले, दो नंबर वाले, तीन नंबर वाले क्वेश्चंस भी पूरे के पूरे यहाँ पे फ्रेम करके रखे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस किस किस तरह के मैंने, इनफैक्ट कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने डाल रखे हैं मैंने। देखिए सो हमारे पास यहाँ पे वंडरवाल्स इक्वेशन, जूल इंटू अर्ग, इसको कन्वर्ट करना है फोर्स इंटू, मतलब फोर्स का जो हमारे पास कन्वर्जन होता है, फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन, न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। तो आपने ये पढ़ा होगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डाइमेंशनल एनालिसिस। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वेरियस क्वांटिटीज। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आप देख लीजिए डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है, डिराइव करना है पर्टिकुलरली ग्राफिकली, यहां पे डिराइव करना है आपने, ग्राफिकली इनको डिराइव करना है, मतलब आपने देखा होगा हमारे पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको डिराइव करना है ग्राफिकली। ठीक है, अब उसके बाद ये एक नंबर वाला क्वेश्चन है, साथ में आप देख लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी आ सकता है, सो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको नोट्स चाहिए या कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि ये टॉपिक नहीं आ रहा है, या जो कोई भी इशू हो तो मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका डाउट सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे स्पिन न्यूमेरिकल भी आ सकता है। उसके बाद फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी, सॉरी फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स जस्टिफाई। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद न्यूमेरिकल एक डाल दिया मैंने, क्या पता इसमें से इसी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए, ये दूसरा न्यूमेरिकल। उसके बाद ये नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे स्टैटिक, काइनेटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं मैंने, व्हाट आर कॉन्करेंट फोर्सेस, स्टेट लेमीज थ्योरम, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है गाइज, मैंने आपको एश्योरिटी दी है कि पेपर इधर से ही आएगा सारा, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन, इनको अच्छे से आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, ये क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क्स का भी आ सकता है, इसमें लिखना है एडवांटेज या डिसएडवांटेज साथ साथ में लिखना है इसमें। उसके बाद फिर से कॉन्सेप्चुअल, वॉकिंग इज डिफिकल्ट इन सैंड और ऑन आइस एटसेट्रा एटसेट्रा, सेकंड लॉ इज द रियल लॉ एंड ए रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वर्क एनर्जी एंड पावर। सो इसमें पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये इसके साथ साथ मैंने आंसर भी देके रखे हैं इसमें, कंजर्वेटिव वर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम, इलास्टिक कोलिजन इन डायमेंशंस, 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन आ सकता है, एंड डिराइव काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में आपने क्या करना है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्टिंग में डाल के रखे मैंने, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, इनके आंसर्स के साथ मैंने ये डाल के रखे हैं यहाँ पे, वाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। उसके बाद साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंड टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के लिए, और पर्टिकुलरली इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन को इससे डिराइव करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद हाइट
या आ सकता है या डेप्थ आ सकता है, मतलब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बहुत ही आसान है। एंड द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एस्केप वेलोसिटी, न्यूमेरिकल ऑन केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें आप क्या कीजिएगा, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके यूनिट्स, डायमेंशंस, सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल्स डाले हैं, ये अच्छे से कर लेना। एंड वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग आ सकता है 3 मार्क्स का, और ये अलग आ सकता है 3 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट, क्यों नहीं करती है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, ये जस्ट छोटे छोटे क्वेश्चंस है, दिखने में बहुत बड़ा पेपर दिख रहा है बट इज है नहीं, ठीक है ना। मैंने पूरा का पूरा वो सिलेबस छापा नहीं मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशंस फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये एक एक मार्क्स वाले, एक एक दो दो मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, साथ में मैंने इसका आंसर भी देके रखा है, प्रूव मेयर्स फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या है, देखिए एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट्स की टाइप्स क्या होती है, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्चुअल्स आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिर से। वूलन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन विंटर, व्हाई। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, ठीक है, ये साथ में दूसरा क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है सारे, एक एक मार्क्स वाले, दो दो मार्क्स वाले, बिकॉज इनको मिस नहीं कर सकते आप, बिकॉज पैटर्न जो हो चुका है सीबीएसई का पैटर्न हो चुका है, अब वो वाला जमाना चला गया कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट वाले क्वेश्चंस पहले आते थे। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटी में क्या करना है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है, ये अच्छे से कर लीजिएगा आप। तो अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, या अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ इसमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद साथ में यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टर्म क्या होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, और साथ में एमिशन एब्जॉर्प्शन पावर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारे पास है KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें आप क्या करेंगे, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, और गैस लॉज, गैस लॉज बहुत आसान है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत आसान है वो। मेन फ्री पाथ क्या होता है, ठीक है, और मोर, ये फिर उसके बाद आ जाएंगे साथ में कॉन्सेप्चुअल्स, ये कॉन्सेप्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आ सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में, ये भी 3 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस, मैंने इनफैक्ट इसके आंसर्स भी मैंने साथ में लिख के रखे, मैंने अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स के केस में देखो, सिंपल पेंडुलम, इसका ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट्स मेंट बाय फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, मेंटेन्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस क्या होता है, और डिफाइन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जैसे फेज को डिफाइन करो, एम्पलीट्यूड को डिफाइन करो, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है 3 मार्क्स का, या 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड, एको क्या होता है, बीट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, ओपन ऑर्गन पाइप्स,
स्टैंडिंग वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, उसके बाद ये एक मैंने यहाँ पे एक एमसीक्यू भी डाला है मैंने, हार्मोनिक वेव फंक्शन, और उसके बाद ये आपका हो गया ही। तो इनफैक्ट ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से इसको ना वीडियो को पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक करके आप डाउनलोड कर दीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैसेज कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और साथ साथ में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।